तो दोस्तों आज इन ऑनिज अकवा में आज एक नया वीडियो होने जा रहा है और वीडियो का टॉपिक है कार्डिनल एंड नियॉन टेट्रास। और हमारे गेस्ट कौन है? मिस्टर शांतनु ऑफ एक्वाफील्ड। तो हेलो शांतनु। हेलो। तो शांतनु, आज हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं, दैट इज नियॉन और कार्डिनल टेट्रास, जो कि मैं तो बोलूंगा मेरा प्लांटेड टैंक का मेरा सबसे फेवरेट फिश है। और नॉट ओनली प्लांटेड टैंक, उसको कोई प्लांटेड टैंक में बिना प्लांटेड टैंक को छोड़ के भी वो नॉर्मल टैंक में भी रख सकता है, हास्केप टैंक में या ब्लैक वाटर में भी बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि कोई भी फिशेज में कभी ना कभी करूं तो उसमें नियॉन या कार्डिनल का एक पूरा झाप तो होना ही चाहिए। तो ये बोलिए सबसे पहले, ये कार्डिनल और नियॉन टेट्रास डेफिनेटली वो तो टेट्रा फिश तो है, पर वो किस तरह का फिशेज है, किस किस्म का फिशेज, और थोड़ा ओरिजिन लेके अगर थोड़ा उसको बोल पाइएगा तो नेचुरल हैबिटेट लेके। देखिए फर्स्ट हम बोलेंगे कि जैसे वे खाने में नमक होता है ना, प्लांटेशन में, ये मेरा थॉट है, फिर हम बोलेंगे ये मेरा थॉट है, प्लांटेशन में कार्डिनल नियॉन टेट्रा ये नमक है। ये आप कोई भी, आप ब्लैक वाटर टैंक उसमें आप नियॉन कार्डिनल छोड़ दीजिए, वाह क्या ब्लैक वाटर है। प्लांटेशन में छोड़िए, वाह क्या प्लांटेशन है। हाउसकीप टैंक में छोड़िए, वाह क्या हाउसकीप टैंक है। तो कहीं पर भी आप डालो इसको, बियर बॉटम में टैंक में भी छोड़ दो, कोई भी कुछ भी डेकोरेशन नहीं कुछ भी, तो भी जबरदस्त, सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड, क्या बियर बॉटम टैंक है, ठीक है। तो इसका ये नमक है, ये मेरे हिसाब से नमक है। हम भी कोशिश करते हैं कि मेरा खुद का टैंक या मेरा क्लाइंट के टैंक में कुछ नियॉन टेट्रा और कुछ कार्डिनल टेट्रा मिक्स करके दे, वो जो स्कूलिंग करता है ना वो एक अलग फील है उसमें। अब इसका ओरिजिन क्या है, देखिए नियॉन टेट्रास मैक्सिमम आता है आपका अमेजन से, अभी तो यहाँ पे भी ब्रीडिंग होता है इम्पोर्टेड, अब इम्पोर्टेड इंडिया में आता है, यहाँ का ब्रीडिंग भी आता है। अब ये डिपेंड करता है हम लोग के ऊपर, हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट है कि इसका जो लाइफ स्पैन है, ये बहुत ही हार्डी फिश है। हम नहीं, हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम नियॉन लेके गए, नियॉन तो मर गया, अरे कार्डिनल तो मर गया, उसका फंगल इन्फेक्शन आ गया। भाई हम लोग भी मर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ हम लोग कैसे रख रहे हैं इसको, हम लोग पैरामीटर बैलेंस क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को देखना पड़ता है। हम लोग टेम्परेचर क्या रखेंगे, कार्डिनल नियॉन आपका 20 डिग्री टेम्परेचर ले सकता है, 20 से बिलो भी ले सकता है, मेरे टैंक में 20 डिग्री ले सकता है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है अबाव तो प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम होता है। हाँ कार्डिनल टेट्रा और नियॉन टेट्रा का बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो, अच्छा प्रॉब्लम थोड़ा हम लोग डिस्कस करने से पहले, हम लोग थोड़ा वो तो उसका मतलब थोड़ा बेसिक केयर, कीपिंग और केयर में आता है, जैसे कि उसका मिनिमम टैंक साइज आपके हिसाब से कितना होना चाहिए और टैंक का डेकोरेशन यानी टैंक का सेटअप कैसा होना चाहिए। देखिए अगर आप एक फिट टैंक में भी रख सकते हो, एक फिट में अगर रखेंगे तो आप 5 to 7 पीस रख सकते हो, ऑड नंबर इवन में नहीं, हाँ ऑड में रखेंगे तो वो स्कूलिंग बहुत अच्छा करता है। एक साथ मिनिमम कितना टेट्रास देखिए आप रखना चाहिए, 12 से कम तो रखना ही नहीं चाहिए। नहीं ये टैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप एक फिट का क्यूब में अगर रखेंगे तो 12 रखने से ना वो ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, ये मेरे ख्याल से। आप 1 फिट टैंक में आप रख सकते हो 7 पीस, हाँ नहीं ऑड नंबर में, इवन में नहीं, इवन में वो लोग अच्छे से स्कूल नहीं करते हैं, ऑड नंबर में स्कूलिंग ज़्यादा अच्छा करता है। क्यों ऐसा क्या है कि मानिए अगर आप कोई पकड़ लीजिए, आप 3 डज़न रख लो, मतलब 2 फिट का टैंक में आप 2 डज़न या 3 डज़न रख दिए, तो उसमें 24 का जगह 2300 या 2500, उसमें क्या फर्क है ऑड नंबर में, क्योंकि क्या होता है कि जब ये फिशेस, देखिए हम ये मेरा ओपिनियन है, हम जिस तरह से इसको ऑब्जर्व किए हैं
फिशेस जब जाता है ना तो एक ऐसा एक लाइन वो फॉर्म करते हैं, और ये लाइन तभी फॉर्म होता है जब ये ऑड नंबर में रहता है, ठीक है। इवन वो ये स्कूलिंग नहीं करता है, क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है कि ऑड नंबर में लास्ट एक बंदा रह जाता है जो अलग, और वो उसके पीछे भागता है, ठीक है। वो सबको फॉलो करता है, और इनका टेट्रा का एक आप एक चीज अगर वॉच करेंगे ना कि वो सामने वाले को ऑल टाइम फॉलो करता है, सामने वाला अगर मुड़ गया तो बाकी भी मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये दो पार्ट में रहते हैं, एक फर्स्ट हाफ में एक पार्ट, सेकंड हाफ में एक पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो आगे निकल गया, सेकंड पार्ट है वो मुड़ गया, दोनों पार्ट अलग हो गया, होता है ये। अच्छा तो ये तो, क्या कहीं पे कुछ थ्योरी में है ना, प्रैक्टिकली एक नहीं नहीं देखिए वो देखिए ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आज तक जितना प्रैक्टिकली रख के देखिए वो आप प्रैक्टिकली हम रख के देखे हैं, एंड हम ऑड नंबर में ही रखते हैं। ऑड नंबर में हम देखें कि जितना अच्छा स्कूलिंग कर रहे हैं, इवन नंबर में वो लोग स्कूलिंग नहीं करते हैं, ऑड नंबर में ज़्यादा अच्छा स्कूलिंग हम देखे इसका, कोई भी टेट्रा का, आप हर्लिक्विन टेट्रा लो या कोई भी टेट्रा लो। हाँ तो और नेक्स्ट है कि आप 3 feet 4 feet में आप अप्रोक्स 50 पीस 60 पीस रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम, हाँ मेरा एक 4 feet का टैंक है, हम 100 नियॉन टेट्रा हम छोड़ देंगे, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। ओवर पॉपुलेटेड नहीं, आप एक लिमिटेड अमाउंट में फिशेस को रखिए कि उसको जितना स्पेस देंगे ना मूव करने का, उतना बेहतर रहेगा, इजी मूवमेंट भी हो, इजी हाँ इजी मूवमेंट रहेगा, हाँ टीडीएस टीडीएस ऑब्वियसली टीडीएस जितना कम हो उतना अच्छा है, उसको इनको फ्लो फ्लो करने में इजी होता है, और पीएच आपका बैलेंस, हाँ 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 थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ा अगर एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट है आपका इसका तो टैंक सेटअप, आप अगर डेंस प्लांटिंग में रखेंगे इसको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका इसको डेंस प्लांटिंग में, क्योंकि ये ना टेट्रस थोड़ा हाइट करना पसंद करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा हाइडिंग प्लेस अगर इसको मिल जाएगा प्लांटेशन में तो ये बहुत easily, और ये क्या वो अंदर अंदर से ना वो पासिंग करते हैं तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए अल्टीमेटली हम लोग रखते हैं क्या, हम लोग देखने के लिए रखते हैं, सही बात है। हाँ आप ऐसा नहीं है कि कोई हॉबीज आके ऐसा, जैसे कि आप एक डॉग रखेंगे, डॉग का अलग बात है, आप जब डॉग को रख रहे हो उसके साथ एक फीलिंग्स आ जाता है, फिश के साथ भी हम लोग का फीलिंग्स आता है, लेकिन अभी भी 70% पीपल ऐसा है जिनका इसके ऊपर फीलिंग नहीं है, वो लोग सिर्फ देखने के लिए रखते हैं कि मेरा एक एक्वेरियम है उसमें अच्छा, हाँ हाँ देखने में अच्छा लग रहा है भाई चलो डाल दो, वो लोग एकदम ठूस ठूस के मछली रखते हैं, एक छोटा सा टैंक में 50 पीस मछली छोड़ दिए। अच्छा तो ये टेट्रा बेसिकली बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए, बेस्ट खाना इन लोगों के लिए क्या, देखिए किस तरह का खाना, कितना खाना कैसा होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको नेचुरल हैबिटेट में अगर आप रख पाओगे तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि इसको थोड़ा हंट करके अगर ये अगर थोड़ा थोड़ा हंट करे खाना तो वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप वीकली 4 दिन आप इसको फीड कीजिए, 3 दिन आप इसको फीड मत कीजिए, ये 4 दिन खिलाए और तीन दिन मत खिलाए। रीज़न ये है कि वो आपके टैंक में जो एल्गी वगैरह होता है या छोटा छोटा ऐसा बहुत वॉर्म्स आता है तो ये खा लेते हैं, वो हंटिंग जो है वो हंट करते हैं, हंट करके खाते हैं। अब देखिए अगर जैसे कि आप डेली रसोई में कुकिंग करते हो, कुकिंग करके खाना लेके आप खाते हो, आपको बिठा दिए हम, आपको डेली हम खाना लेके खिला देते हैं, क्या होगा एक टाइम के बाद आपका फिजिकली आप वो मोटे हो जाएंगे, हाँ आप काम ठीक से नहीं, आपके अंदर वो भूख होना चाहिए, हाँ भूख होना चाहिए, एग्जैक्टली वो स्पीड नहीं। मेरे ख्याल से शायद एटलीस्ट ठीक है 3 दिन बोलिए या तो मिनिमम 1 दिन ऐसा तो उसको मैंने विदाउट खाना बिना खिला के रहना चाहिए, क्योंकि एक शायद बोला जाता है उन लोग को
पेट का भी अक्सर थोड़ा ओवरफीडिंग करे exactly. तो वो लोग एग्जैक्टली पेट का भी एक प्रॉब्लम हाँ बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो इसीलिए ये मेरा सजेशन है खाना कौन सा फूड वो लोग के लिए बेस्ट देखिए वीकली एक दिन आप इसको वॉर्म्स फीड कीजिए यानी कौन सा वॉर्म्स आप बोल रहे हो आप लाइव वॉर्म फीड कर सकते हो अच्छा एकदम थोड़ा ज़्यादा नहीं और ड्राई फीड इसके लिए अच्छा होता है आपका वो टेट्राबिट्स या आप डब्ल्यू ए का फूड ले सकते हो डब्ल्यू ए का फूड भी बहुत अच्छा है आप फीड करवा सकते हो इसको एक्वाफिट का भी एक फूड है तो आप वो भी आप इसको फिट करवा सकते हो एल्गी पैलेट्स कुछ आप इसको दे सकते हो तो टेट्रल्स अच्छे रहते हैं अच्छा और इसके साथ हम लोग और क्या क्या फिशेज रख सकते हैं कि टाइम नहीं कंपैटिबिलिटी देखिए नियॉन और कार्डिनल हार्मफुल फिशेज नहीं है अग्रेसिव फिशेज नहीं है ये आप डिस्कस के साथ रख सकते हो आप एंजल्स के साथ रख सकते हो टेट्रस तो हर एक टेट्रस के साथ आप तो रख ही सकते हो लेकिन हाँ ऑब्वियसली सिगलेट के साथ पर डिस्कस में निकल से छोटा डिस्कस के साथ चलेगा राइट बहुत बड़ा डिस्कस होगा तो नहीं तो प्रॉब्लम है छोटा मीडियम मीडियम साइज का वो डिस्कस आप रख सकते हो हम खुद रखें हाँ मसूरी में जो टैंक्स हम लोग बनाए हैं चार नहीं तीन साढ़े तीन इंच तक हम बोलेंगे एकदम सेफेस्ट हाँ उससे ज्यादा तो खाने का चांस हाँ 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 कार्डिनल कार्डिनल अच्छा रहेगा उनका डिजीज क्या होता है एक होता है कि फंगल इन्फेक्शन अच्छा जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है फंगल इन्फेक्शन और भी जो एक होता है शायद देखा जाता है ड्रॉपसी होता है ज्यादा ड्रॉपसी या तो हाँ। भी या तो ज्यादा मतलब खिलाने से मतलब पेट फूल के भी वो लोग अक्सर मरता होता है होता है होता है ड्रॉपसी होता है तो इसके लिए इसका प्रिवेंशन किस किस तरह से किया जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक हॉस्पिटल टैंक बनाना पड़ेगा और ड्रॉपसी फंगल इन्फेक्शन सिर्फ नियॉन और कार्डिनल के लिए नहीं हर एक फिश को हो सकता है कोई भी टेट्रा को हो सकता है इसके लिए आपको अलग अलग एक हॉस्पिटल टैंक बनाना पड़ेगा अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ या ड्रॉपसी हुआ तो फर्स्ट स्टेप जो है आप पानी में रॉक सॉल्ट दे दीजिए एग्जैक्टली ये क्योर है तो रॉक सॉल्ट डाल दीजिए नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन के लिए थोड़ा टेम्परेचर इसको देना पड़ता है तो एक थर्मोस्टैट उसमें लगा दीजिए टेम्परेचर अप टू 26 26 टू 28 उससे ज़्यादा नहीं देखिए आप रखिए फीट ड्रॉपसी अगर हुआ तो आप इसको फीट जितना कम हो फिट ना दो तो ही अच्छा है दो तीन दिन आप फिट मत करवाइए इसको रख दीजिए और फंगल इन्फेक्शंस में अब इसको तीन दिन ये सॉल्ट वाटर डाल के आप इसको वॉच कीजिए हाँ तीन दिन में ठीक हो जाता है नहीं तो आप दो दिन का गैप देके फिर से तीन दिन आप इस यही पैटर्न को आप आगे बढ़ाइए ठीक है तो ये ठीक हो जाएगा तो दोस्तों इस कदर से आज मिस्टर शांतनु को आपका नंबर थोड़ा बोल दीजिएगा इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव नियॉन एंड कार्डिनल्स फ्रॉम यू और एनी अदर फिशेस आपको कोई भी फिशेस मिल जाएगा सिर्फ नेटिव फिश और सिगलेट छोड़ के प्लांटेशन का कोई भी फिशेस मिल जाएगा आपको मेरा नंबर है 7044698333 तो दोस्तों आज इस कदर से आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इस कदर मिस्टर शांतनु को धन्यवाद कहते हुए और आज हम लोग एक चीज बोलना है जो भी हॉबीज ऑनिस एक्वा का रेफरेंस लेके कॉल करेंगे उनके लिए एक्वाफिल्ड के साइट से रहेगा 20% का डिस्काउंट आपको ये करना है ओके तो ये मजाक था दोस्तों तो जरूर मिस्टर शांतनु को कांटेक्ट कीजिए क्योंकि आपको मिल रहा है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पे ही और इधर में आके कुछ भी खरीदिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% डिस्काउंट तो ये वीडियो समाप्त करते हैं विद अ बिग थैंक्स टू मिस्टर शांतनु हैव अ गुड टाइम थैंक यू एंड नमस्ते